हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, वो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके वेक्टर का और कैसे डिटरमिनेंट यूज करके हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले थे, वो सब हम पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन कि क्रॉस प्रोडक्ट लगा के हम ज्योमेट्री का क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके। कैसे देखो, सपोज ये है तुम्हारा ए वेक्टर और ये है तुम्हारा बी वेक्टर और ये एंगल थीटा है, तो एक पैरेललोग्राम बना हुआ है ऐसे। इसको अगर पैरेलल शिफ्ट करेंगे यहां पे, ये हो जाएगा तुम्हारा पैरेललोग्राम। ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। सपोज इस पैरेललोग्राम का एरिया लिखते, ज्योमेट्री हिसाब से अगर एरिया लिखोगे तो क्या लिखोगे? एरिया पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे? बेस इनटू यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये लेंथ कितना हो जाएगा? सबको इस ट्रायंगल में देखो, ये लेंथ कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, यहां से यहां तक लेंथ है और ये कितना हो जाएगा? मॉड बी साइन थीटा। साइन थीटा क्या लिखेंगे? अगर सपोज नाम देता हूं, ये ओ है, ये बी है, ये क्यू है, साइन थीटा क्या लिखेंगे? बी क्यू बाय ओ बी, तो बी क्यू क्या हो जाएगा? ओ बी साइन थीटा। ठीक है, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे? मॉड ए इंटू हाइट, हाइट कितना है यहाँ पे? मॉड ए इंटू हाइट, हाइट कितना? बी साइन थीटा। यही तो हमारा है, क्या है ये? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले रहे हम, डिरेक्शन नहीं ले रहे क्योंकि एरिया को हम स्केलर मानते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या? अगर मेरे को कि एक पैरेललोग्राम पता है जिसका साइड लेंथ पता है ए और बी, और साइड लेंथ वाला वेक्टर पता है, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या कर सकते हैं? ये बेसिकली वेक्टर है, उसका एरिया निकाल सकते हैं। मतलब ये एरिया पैरेललोग्राम मॉड ए मॉड बी, एरिया पैरेललोग्राम कितना? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मतलब पैरेललोग्राम ऑफ साइड कितना है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसका एरिया कितना हो जाएगा? ये याद रखना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सेकंड देखो, हम ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? देखो सपोज मैं इसको यहां पे ज्वाइन कर रहा हूं और ये पॉइंट ए है, तो ट्रायंगल ओ ए बी का बात करेंगे। मैं दोबारा बना देता हूं, ए ये ट्रायंगल तुम्हारा, ये ए है, ये बी है, सपोज ये कोई साइड लेंथ है, ये एंगल थीटा है, तो ये ट्रायंगल बन गया। तो ये पॉइंट क्या है? ओ है। ये पॉइंट कितना? बी है। ये पॉइंट कितना है? और अलग नाम देता हूं, पी है। ये पॉइंट कौन सा है? क्यू है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या लिखेंगे? अगर ये कोई ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या लिखते हैं? हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना है? ओ क्यू। हाइट मतलब क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये तो हमने पहले प्रूव कर चुके हैं। ये जो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा और ओ पी साइन थीटा। तो हाफ ओ क्यू को क्या लिख रहा हूं? ए मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मतलब हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मॉड। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका दो साइड दिया हुआ है, उसका एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू ए क्रॉस बी, पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए क्रॉस बी, ऐसे भी समझ सकते हो। ये पैरेललोग्राम बना हुआ है ऐसे, देखो दो ट्रायंगल है, इसका एरिया जितना है, इसका एरिया भी उतना है, दोनों मिला के क्या हो रहा है? पैरेललोग्राम का एरिया, एक का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये दोनों चीज हमको पता चला कि अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का साइड लेंथ, साइड का वेक्टर दिया हुआ है, तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू ए क्रॉस बी, पैरेललोग्राम के लिए ए क्रॉस बी। और एक दिया हुआ है, अगर मान लो डायगोनल दिया हुआ है, थर्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल वेक्टर्स आर गिवन,
ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम दिया है जिसका डायगोनल वेक्टर दिया हुआ है, ये डायगोनल भी निकाल सकते हो, वेक्टर का एडिशन करके हम निकाल सकते हो, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। सपोज ये तुम्हारा ए वेक्टर है और ये ऐसे पैरेललोग्राम है, दे रहा हूं ऐसे एक पैरेललोग्राम है और हमको क्या दिया हुआ है, ये डायगोनल वेक्टर दिया, ये डायगोनल वेक्टर दिया है डी वन और यहां से अंदर डायगोनल वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें डी टू वेक्टर। अगर इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, याद रखना है फॉर्मूला, डेरिवेशन भी कर सकते हो, हाफ डी वन क्रॉस डी टू का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सपोज ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर है बी वेक्टर, तो ये बी ए, तो ये क्या हो जाएगा बी, ये ए हो जाएगा। अब सोचो डी टू क्या लिखेंगे, जो डी टू डायगोनल है बड़ा वाला डायगोनल, ये तो हमारा रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से, ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी, डी वन वेक्टर देखो क्या लिखेंगे ए माइनस बी लिखेंगे, डी वन वाले ट्रायंगल में देखो ए प्लस डी वन इसका वेक्टर भी ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या बोलते हैं, एक का हेड में दूसरे का टेल ज्वाइन होना चाहिए। तो अगर हम इससे थोड़ा सा डेरिवेशन अगर करेंगे, ए वेक्टर प्लस डी वन वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, तो डी वन वेक्टर क्या हो जाएगा बी क्रॉस बी माइनस है, सॉरी यहां पे क्या लिखेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब सोचो अगर मैं क्या करूंगा, डी वन क्रॉस डी टू करूंगा, एक माइनस का डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं, देखो डी वन क्रॉस डी टू क्या मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले डी वन प्लस डी टू, डी वन कितना है यहां पे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ओपन करो इसको कितना आएगा बी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर, ये हमने लास्ट क्लास डिस्कशन किया था, ठीक है। अब इसको ओपन करो, ये कितना आ जाएगा बी क्रॉस है और इन दोनों क्या हो जाएगा, तो बी क्रॉस भी कितना होता है जीरो, सिमिलरली यहां पे देखो ए क्रॉस है कितना है जीरो और यहां पे माइनस ए क्रॉस बी, तो माइनस ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, या बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हो माइनस ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाए माइनस टू इंटू ए क्रॉस बी, तो ये तो वेक्टर है। अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये क्या बन गया, मैं यहां पे कर दे रहा हूं टू इंटू ए क्रॉस बी, तो ये क्या है तुम्हारा डी वन क्रॉस डी टू, बट हमको क्या पता है डी वन हाफ हाफ ऑफ डी वन क्रॉस डी टू कितना हो जाएगा, देखो ए क्रॉस बी, बट ए क्रॉस बी क्या होता है एरिया आ गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे डेरिवेशन तुम्हें याद नहीं है, जो जो फॉर्मूला याद रखना है ये, एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, ट्रायंगल का एरिया निकाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ ए क्रॉस बी और डायगोनल दिया है तो हाफ ऑफ डी वन क्रॉस डी टू, तो इतना फॉर्मूला लिखो। अब इसको अगर क्वेश्चन करते हैं, अब देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन बनाएंगे।
तो पहला चीज क्या हम पढ़े, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना, ए क्रॉस बी, ट्रायंगल हाफ इंटू ए क्रॉस बी, और डायगोनल दिया होगा तो हाफ इंटू डी वन क्रॉस डी टू। अब देखो मैग्नीट्यूड लेंगे सबका, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखो अगर बोलेगा ऐसे सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा, ई साइड्स ऑफ गिवन बाय वेक्टर i माइनस टू जे प्लस के एंड टू आई माइनस जे प्लस थ्री के। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सेकेंड अगर पूछेगा फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ आज गिवन वेक्टर्स। तो पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सपोज ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, कर सकते हो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटरमिनेंट बनाते हैं, ये हमको पता है आई जे के, ए में कितना है वन माइनस टू वन, बी में कितना है टू माइनस वन थ्री। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो i इंटू मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इसको हटा जाएगा तो माइनस टू इंटू माइनस टू वन माइनस वन थ्री माइनस j, जगह जगह क्या लिखेंगे वन वन टू थ्री प्लस k वन वन टू थ्री, सॉरी k वन माइनस टू टू माइनस वन। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आई, ये कितना हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव माइनस जे, ये कितना हो जाएगा थ्री माइनस टू वन प्लस के माइनस टू माइनस वन प्लस टू वन, तो ये कितना देखो माइनस फाइव आई माइनस जे प्लस के, ये हो गया ए प्लस, बट एरिया अगर लिखोगे तो क्या लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड माइनस फाइव आई माइनस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये तो हमको पता है कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, कैसे निकालते हैं फाइव स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर ट्वेंटी सेवन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है इसका आधा, तो हाफ इंटू रूट ओवर ट्वेंटी सेवन, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कोई भी दो वेक्टर दे देगा बोलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालें, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन करते देखो इसी के ऊपर, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल्स डायगोनल्स मतलब दोनों डायगोनल का लेंथ, सेकंड एरिया ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका लेंथ कैसे निकालते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एरिया तो हमको पता है एक क्रॉस बी करेंगे हम,
कैलकुलेशन करके हम एरिया निकालेंगे, बट लेंथ कैसे निकालते हैं देखो। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाऊंगा जो कि बच्चे गलती करते हैं हमेशा। तो पहले देखो, सपोज ये तुम्हारा ए वेक्टर, ये तुम्हारा बी वेक्टर, तो ये है तुम्हारा पैरेललोग्राम। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है कितना, i प्लस 2j माइनस 3 के मैं मान लेता हूं ऐसे। बी वेक्टर है कितना, 2i माइनस j प्लस k, ठीक है। अब डायग्राम का लेंथ कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने भी, सपोज ये है तुम्हारा डायगोनल d1, ये तुम्हारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ट्रायंगल लगाएंगे इस ट्रायंगल में, तो d1 वेक्टर क्या लिखेंगे, ये याद रखना d1 वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b, तो ये हो गया एक डायगोनल। तो a प्लस b करो, इन दोनों ऐड करो कितना हो जाएगा 3i, ये -2, ये -1 प्लस j -3 प्लस 1 -2k, ठीक है। अब d2 क्या लिखेंगे, देखो d2 वेक्टर, सपोज मैं इसको ऐसे जॉइन कर लिया, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, सपोज ये है तुम्हारा d2 वेक्टर, ठीक है। बच्चे बोलेंगे सर इधर के डायरेक्शन क्यों लिया, जस्ट मैंने ऐसे ले लिया, तुम इधर भी डायरेक्शन ले सकते हैं, बट उसमें क्या आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा वेक्टर हिसाब से, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जो मतलब इसका जो लेंथ है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो d2 वेक्टर क्या लिखेंगे, देखो सपोज इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ये वेक्टर, ये तुम्हारा क्या बी वेक्टर, तो d2 के लिए क्या लिखेंगे, ट्रायंगल में लगाओगे ये कितना a, सपोज दोबारा बना लेता हूं, ये तुम्हारा a वेक्टर, ये तुम्हारा कौन सा d2 वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर बी वेक्टर, ट्रायंगल में लगाओगे उस ट्रायंगल में, तो क्या लिखेंगे a वेक्टर प्लस d2 वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, तो d2 वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर कितना है, देखो 2i माइनस j प्लस k माइनस ए वेक्टर कितना है, i प्लस 2j माइनस 3k, तो कितना है देखो i माइनस 3j प्लस 4k, तो ये हमको मिल गया डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल पूछा है। तो d1 का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, लेंथ ऑफ डायगोनल कितना है, d1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 4 14 का रूट ओवर d2 वेक्टर 1 प्लस 9 प्लस 16 रूट ओवर 26, ठीक है। अब एरिया पैरेललोग्राम निकालेंगे, देखो एरिया पैरेललोग्राम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, आइदर ए क्रॉस बी करो और d1 क्रॉस d2 करो, d1 क्रॉस d2 करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा, ए क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्टली करेंगे। सपोज मैं दोनों तरह करके दिखाता हूँ, अगर ए क्रॉस बी करना है मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा, तो i j k डिटरमिनेंट लिखो, a कितना है 1 2 माइनस 3, b कितना है 2 माइनस 1 1, अगर मैं i लिखूंगा तो यहाँ पे कितना है देखो 2 इंटू 1 1 प्लस 3 4 हो गया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस जे, जे अगर हटा देंगे क्या बचेगा तुम्हें 1 माइनस 3 2 1, ये 1 इंटू 1 1, ये माइनस 6, तो 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7, और k के लिए k में देखो क्या लिखेंगे माइनस 1, ये कितना है माइनस 4 माइनस 5, तो ये हो जाएगा एक रस बी, तो एक रस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 49, 7 स्क्वायर 49 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 16 41 49, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 का रूट ओवर। सिमिलरली वो सपोज हाफ इंटू d1 क्रॉस d2 करेंगे, तो हाफ यहां पे रखेंगे, तो i j k d1 देखो कितना है यहां पे 31 माइनस 2, d2 देखो क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 3 4, अगर कहीं पे कैलकुलेशन गलत होगा तो आंसर मैच नहीं करेगा। देखो हाफ ये कितना हो जाएगा i इंटू ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 6,
ये 4 ये हो जाएगा कितना प्लस 6 4 माइनस 6 कितना माइनस 2 माइनस j j कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 14 प्लस k k कितना हो जाएगा माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 अब इसको देखो कितना आ जाएगा ये हाफ इनटू माइनस 2y माइनस 14j प्लस 10k और इसका ले लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस i माइनस 7j प्लस 5k तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे कितना है 90 है देखो नॉन मैच के बट बच्चे गलती में क्या करते हैं अगर लिखेंगे हाफ d1 क्रॉस d2 ना हाफ d1 क्रॉस d2 ऐसे देखते हैं अगर बच्चे गलती में क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ इंटू रूट ओवर 14 इंटू रूट ओवर 26 ये चीज गलत है क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं इसमें मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट एक्चुअल में क्या है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करके उसके बाद मैग्नीट्यूड लेना है दोनों अलग अलग चीज है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना और वेक्टर को मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड लेना है दोनों अलग अलग चीज है अगर ऐसे कोई कर दिया तो आंसर तुम्हारा गलत मिलेगा ठीक है तो यह था तुम्हारा प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कुछ अलग से नहीं आता है अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में समझेंगे देखो नेक्स्ट देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हम तीन वेक्टर है मेरे पास सो बोलते ए डॉट बी क्रॉस सी इसको बोलते स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ठीक है इसको कैसे निकालेंगे देखो तो ये क्या है इन दोनों बी क्रॉस सी क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है और ए डॉट करेंगे क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा स्केलर आएगा वेक्टर नहीं आएगा इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अब इसका कैलकुलेशन करने का तरीका कैसे होता है सपोज ए वेक्टर मान लो ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के बी वेक्टर है बी वन आई प्लस बी थ्री के सी वेक्टर है सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के तो a डॉट b क्रॉस अगर करेंगे तो इसको ऐसे डिटरमिनेंट लिखना है पहले वाला में क्या था ऊपर में i j k फिक्स था बट यहां पे ऐसे फिक्स नहीं है यहां पे क्या लिखेंगे ये जो a है उसका कोफिशिएंट लिखेंगे कितना a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a डॉट b क्रॉस का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा कैसे सॉल्व करोगे सेम पहले जैसे सॉल्व किया था ऐसे सॉल्व करेंगे वहां पे i था यहां पे क्या लिखेंगे a1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा b2 b3 c2 c3 माइनस a2 के लिए माइनस यहां पे क्या प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है ये b1 b3 c1 c3 फिर बाकी कैलकुलेशन है तुम्हें पता है a3 के लिए b1 b2 c1 c2 ठीक है तो ये तो हो गया उसका फॉर्मूला कैसे हम निकाल रहे तो ये हमारा हो गया कैलकुलेशन कैसे करेंगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और
ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। तो स्कालर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बताता है, एक वॉल्यूम बताता है, किसका वॉल्यूम ऑफ एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब क्या, क्यूबॉइड टाइप का हो सकता है। सपोज इसको हम बोले क्या, सपोज यहाँ पे बस मान लो एक डब्बा है ऐसे, ये वॉल्यूम, इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हम इसे निकाल सकते हैं। सपोज ये तीनों वेक्टर है ना ए बी सी, ये तीनों वेक्टर क्या, तीन साइड है। सपोज कोई क्यूब है, पैरेललोग्राम ऐसे बोलते हैं क्योंकि ऐसे भी शेप हो सकता है, सपोज ऐसे शेप का हो सकता है कुछ भी। ऐसे सर्कल हो सकता है, ऐसा जरूर नहीं है कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, कोई भी सर्कल हो सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या कि एक पैरेलल पाइप है, मतलब एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसका तीनों साइड क्या, ए बी सी। अगर इसका पूरा वॉल्यूम निकालना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसको क्या हो गया कि ई ए बी सी आर sides of parallel pipe, then its volume is a dot b cross, ठीक है। अगर तुम्हें एक parallel pipe मतलब क्या, cuboid हो सकता है, cube हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा करके, मतलब उसका base क्या होना चाहिए, rectangle होना चाहिए। parallel pipe मतलब ऐसा समझो कि उसका बेस क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ होना चाहिए। सर्कल नहीं हो सकता और फोर साइड से ज्यादा नहीं होगा, कोई फोर साइड एक पैरेललोग्राम हो सकता है और रेक्टेंगल हो सकता है। अगर ऐसा रहेगा, सपोज इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूंगा तो ये एक पैरेललोग्राम पाइप बन गया, जैसे इसका साइड क्या हो गया, पैरेललोग्राम नहीं रहा अभी, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, इसका अगर वॉल्यूम निकालना है और उसका साइड क्या है, ए बी सी पता है तुम्हें, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अब सोचो कि अगर मान लो कि वॉल्यूम जीरो है, उसका मतलब क्या, इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज जीरो, अगर ये जीरो है तो वॉल्यूम जीरो है। वॉल्यूम जीरो का मतलब क्या, वॉल्यूम कभी जीरो नहीं हो सकता। वॉल्यूम जीरो का मतलब क्या, जो तीनों वेक्टर है तीनों साइड में, सपोज ये क्या है, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये तुम्हारा सी वेक्टर है, तीनों साइड में तीन वेक्टर है, जैसे 3D टाइप का है, ठीक है। अगर मान लो इसका, ये इसका वॉल्यूम कब जीरो हो सकता है, आइदर तीनों में से कोई एक जीरो हो गया, या फिर क्या हो सकता है, ये तीनों क्या हो जाए, एक ही प्लेन में आ जाएंगे। सपोज इसी प्लेन में आ गया और बोर्ड का प्लेन में आ गया, तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो हम बोलते क्या है, आइदर कोई एक इसमें से जीरो है, ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो होने का मतलब क्या, आइदर ए बी सी में तीनों कोई एक जीरो है, या क्योंकि दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में आ सकते हैं बट तीन वेक्टर हमेशा एक प्लेन में नहीं आ सकते, ठीक है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी का जीरो का मतलब क्या है कि आइदर ए बी सी तीनों में से कोई एक जीरो है, या फिर क्या हो सकता है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी सी कोई भी जीरो नहीं है, उसका मतलब क्या, देन ए बी सी लाइ इन सेम प्लेन, उसका मतलब को बोलते हैं ए बी सी आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है, कोप्लानर वेक्टर्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे, कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में जो वेक्टर्स आएंगे उसको कोप्लानर वेक्टर्स बोलते हैं। तो अगर मान लो तीन वेक्टर्स को हमको कोप्लानर प्रूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनका स्कालर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अगर वहां पे जीरो हो गया तो उसका मतलब क्या, वेक्टर्स कोप्लानर है, तो ये कोप्लानर का कंडीशन, तो मैं लिख देता हूं यहां पे कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो है तो वेक्टर्स क्या है, कोप्लानर है। अब यहां से हम कुछ चीजें पढ़ा, पहले ए डॉट बी क्रॉस सी का कैलकुलेशन, सेकंड ए डॉट बी क्रॉस सी क्या देता है, वॉल्यूम देता है, थर्ड अगर वॉल्यूम जीरो है उसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, कोप्लानर है। अब इस फॉर्मूला लिख लो, अब इसको क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। साइड्स आर सवाल में मान दे माइनस जे प्लस के आई प्लस टू जे माइनस के और माइनस टू आई प्लस जे प्लस थ्री के। तो क्या करें हम तीनों का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। सपोज इसको मैं ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो हम क्या करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी करेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट लिखोगे क्या लिखेंगे, ऊपर में 2 माइनस 1 1, सेकंड में 1 2 माइनस 1, थर्ड में माइनस 2 1 3। इसका हम ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पहले हम ऊपर यहां से लेता हूं मैं, देखो 2 इंटू यहां पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 3 2 माइनस 1 1 इंटू 3 डायरेक्टली कर सकते हो, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस 1 है। तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 3 प्लस 1 में कितना आएगा 1 2 माइनस 2 1। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, देखो 2 इंटू कितना 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। देखो स्केलर कुछ आंसर आ रहे, कोई वेक्टर नहीं यहाँ पे। प्लस 1 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1 प्लस 1 इंटू ये कितना 1 प्लस 4 5, तो ये कितना देखो 14 प्लस 1 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 20। तो ये हो गया वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। बोलेगा कि तीन वेक्टर दे दिया, बोलेगा कोप्लानर है कि नहीं प्रूव करो। सपोज एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तीन वेक्टर दे दूंगा, बोलूंगा तीनों वेक्टर कोप्लानर है कि नहीं प्रूव करो। अगर तीनों वेक्टर का डॉट ऐसे निकालेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालोगे, अगर ये जीरो है तो कोप्लानर है, अगर जीरो नहीं है तो कोप्लानर नहीं है। सपोज निकाल के बताओ कोप्लानर है कि नहीं, तीन वेक्टर में दे रहा हूं कोई वेक्टर तीनों। सपोज ऐसे लिख दिया वेक्टर्स आई चेक करके बताओ ये कोप्लानर है कि नहीं है। ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो, फिर अगर जीरो है तो वो कोप्लानर है, अगर जीरो नहीं है तो वो कोप्लानर नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन कर देता हूँ, देखो 1 माइनस 2 3 ये कितना हो गया माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1। तो अगर हम पहले कैलकुलेशन करेंगे 1 में 1 इंटू डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, देखो 1 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 1 0 हो गया। माइनस 2 में प्लस 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 यहाँ पे कितना माइनस माइनस प्लस 1 ये भी जीरो हो गया। प्लस 3 देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 जीरो हो गया, सब जीरो हो गया। उसका मतलब क्या है, ये तीनों कोप्लानर है, ठीक है। कोप्लानर मतलब क्या, उसको लेके अगर हम वॉल्यूम बनाएंगे उसका वॉल्यूम जीरो है। तो ये हो गया लास्ट पार्ट बचा है वेक्टर का, एक लास्ट टॉपिक है आज, वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम कुछ मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स उसको बोलते हैं, कि कुछ मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे जो कि हम फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, उसमें चार पांच क्लासेस उसको लगेंगे कि मैथ के बारे में सॉफ्टवेयर वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। उसको मैं लास्ट में बोल दूंगा थोड़ा सा। अब एक लास्ट पार्ट है वेक्टर का, उसको बोलते हैं हम
लाइनस थ्योरम। ये है तुम्हारा लाइनस थ्योरम, ये क्या बोलता है, स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर उसे समझाता हूं क्या क्या है। इफ रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस इज जीरो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस फोर्सेस इज proportional to sine of the angles between two other forces। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि तीन वेक्टर है, फोर्स मतलब क्या, वेक्टर मान के चलो तीन वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट अगर जीरो है, रिजल्टेंट मतलब क्या, तीनों को ऐड करके वेक्टर हिसाब से अगर वो जीरो है तो ये बोल रहा है क्या, उसका जो मैग्नीट्यूड है प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर फोर्सेस। ऐसे मान लो सपोज ये वेक्टर है, कोई फोर्स F1 लिख रहा हूं, यहां पे वेक्टर है F2, यहां पे वेक्टर है F3, और हमको क्या पता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर क्या है, जीरो है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है अगर रिजल्टेंट इनका जीरो है। अब ये बोला है कि अगर इस एंगल को अल्फा मान लो, अल्फा क्या है 2 और 3 के बीच में एंगल, इस एंगल को बीटा मान लो, इस एंगल को गामा मान लो, और उल्टा कर दो थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है अब हम क्या लिख सकते हैं, तो F1 साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, मतलब F1 जब लिखेंगे ध्यान से देखो कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि हमको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। F1 बाय उसका अपोजिट एंगल, मतलब F1 के सामने जो है दो अदर वेक्टर जो बना रहा है, क्या है साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाय F2 के अपोजिट में क्या है देखो साइन बीटा, और F3 का अपोजिट में क्या है देखो साइन गामा। ये है तुम्हारा क्या है, इसको एक बोलते हैं लाइनस थ्योरम। कंडीशन क्या है कि अगर तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है तो ऐसे होगा। अब हम सोचो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखो सपोज तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है, उसका मतलब क्या नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, और नेट वेक्टर का समेशन कितना है, जीरो है। हमको पता है कि अगर तीनों वेक्टर साइड से अगर ट्रायंगल होता है तो उसका क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट भी जीरो होगा, तो उसका मतलब इन तीनों वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल का साइड के हिसाब से दिखा सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे ट्रायंगल बना सको, ये F1 है, मैंने ऐसे बनाया F2, बट एंगल कौन सा लेंगे, ये एंगल अल्फा नहीं होगा, F1 और F2 में एंगल कौन सा है, गामा है, मतलब इस वाले एंगल को गामा है, और ये तुम्हारा F3 वेक्टर, ये तो हम ट्रायंगल लॉ में पढ़े थे। अब एंगल देखो कौन कौन एंगल, F2 और F3 में एंगल कौन सा है, F2 और F3 में एंगल अल्फा है, बट अल्फा कौन सा एंगल है, इसको बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, ये एंगल अल्फा है और अल्फा बीटा, बीटा बीटा कौन सा है, F1 और F3, तो किसी को बढ़ा सकते हो, F3 को बढ़ा देते हैं ऐसे, ये कितना हो जाएगा बीटा, ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, बट हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ और टर्म यूज किया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, आगे जाके पढ़ेंगे हम, इक्विलिब्रियम डिस्कशन करेंगे, इसका मतलब इक्विलिब्रियम याद रखना है बस, यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या, ये जो टर्म है इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो जहां पे उस कंडीशन को बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, नेट फोर्स जीरो है उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। और नेट फोर्स जीरो अगर है तो वहां पर हम लेमिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, यही तो है नेट फोर्स जीरो है और नेट रिजल्टेंट जीरो है उसका मतलब क्या, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो है उसका मतलब हम ऐसे मान सकते हैं रेस्ट, अभी के लिए रेस्ट मान सकते हैं, बट आगे जाके थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अभी के लिए क्या है रेस्ट में, अगर कोई सिस्टम रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई कॉम्बिनेशन है अगर रेस्ट में है तो वहां पे हम लेमिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, कोई भी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है वहां पे हम लेमिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस इसको लिखो
और कैसे ये डायग्राम बनाओ, इन दोनों लिखो। अब हम क्वेश्चन जब बनाएंगे इसको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कैसे यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे होता है, सपोज एक सपोर्ट है, वॉल है, और यहां पे एक स्ट्रिंग है, यहां पे एक स्ट्रिंग है, इन दोनों को मिला के यहां पे एक मास को लटका दिया, मान लो 10 kg है, ठीक है। अब इस एंगल को मैं 60 degree दिया हुआ है और ये एंगल भी 60 degree दिया हुआ है, ठीक है, और ये एंगल 30 degree ले लेता हूं ताकि तुम्हें पता चलेगा। ये पॉइंट सपोज मान लो P है, ये Q है, ये R है, तो बोलेगा फाइन फोर्स ऑन स्ट्रिंग PQ PR। ये स्ट्रिंग है, इमेजिन करो दो स्ट्रिंग को ऐसे बांध के यहां पे मास लटका दिया, ठीक है, तो बोलेगा कि इस स्ट्रिंग में कितना फोर्स डेवलप हो रहा है। जो स्ट्रिंग का फोर्स होता है उसका कुछ अलग नाम दिया जाता है, तो हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं कि इस स्ट्रिंग में, क्योंकि अगर कोई 10 kg का मास लटका देंगे स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, ये तो कमांड चेंज बोलते हैं, टाइट हो जाएगा मतलब उसमें कुछ फोर्स डेवलप हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बोलेंगे इसके ऊपर, अगर इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूं, देखो इसको मैं दोबारा बना रहा हूं, देखो ये ऐसा है, अब इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है ग्रेविटी में उसको अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg, शायद तुम लोगों को पता होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ में रखा रहता है उसको अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कितना लगता है, m into g। सपोज m मास को यहां पर रखा हुआ है, सपोज मान लो 10 kg का मास उठाने में तुम्हें दिक्कत होता है, उठा के रखने में दिक्कत होता है, सपोज मान लो मार्कर है, बहुत इजी है, मैं इसको ऐसा होल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूंगा इतना बड़ा सा पत्थर है जिसका मास 20 kg है, तो उसको तो उठा लोगे, तो उठाने में तो दिक्कत होगा ही, बट उठा के ऐसे रखने में दिक्कत ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इस जो 20 kg मास है उसको एक फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहे हैं, ग्रेविटी, और अर्थ एक फोर्स लगा रहे जो अपने तरफ खींच रहे है कि नहीं। तो कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ में और हमारा सराउंडिंग में, सबके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि हमको दिखता नहीं है, बट इनडायरेक्टली इसके ऊपर फोर्स लगता है, डायरेक्टली फोर्स लगता है उसके ऊपर जो कि हमको पता नहीं चलता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और mg। उसके बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, उसका डायरेक्शन क्या है, बट इतना पता है कि सपोज मार्कर है, इसका मास 1 kg है, इसको फोर्स लगेगा नीचे डायरेक्शन में, तो अगर मास है इसमें ऐसे फोर्स लगता है mg, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जी के वैल्यू कितना होता है, 9.8 m/s² होता है, बट हम यूज करने के लिए क्या होता है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 m/s² कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे कितना बोला है, 10 kg है, तो यहां पे कितना फोर्स लग जाएगा, m into g, मतलब ये नीचे वाले डायरेक्शन में 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 N फोर्स का एलिमेंट क्या होता है, न्यूटन, तो मतलब नीचे में डायरेक्शन में डायरेक्शन है 100 N फोर्स लग रहे हैं, और इन दोनों स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, अपने तरफ ऐसे खींच के उसको रोक के रखने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे फोर्स को F1 मान लो, यहाँ वाला फोर्स को क्या मानता हूँ, F2 मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है अभी, तो क्वेश्चन कन्वर्ट क्या हो गया यहाँ पे, कि ऊपर F1 फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे F2 फोर्स लग रहे हैं, नीचे कितना लग रहा है, 100 लग रहा है। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके करने का 2-3 तरीका है, बट जो हम लैगेज थ्योरम लगा के कर रहे हैं उसके बाद कंपोनेंट मेथड भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले बता दिया था वेक्टर को कंपोनेंट और वेक्टर को कंपोनेंट मेथड में कैसे ऐड करते हैं, अभी हम लैगेज थ्योरम का यूज कर रहे हैं, देखो समझा रहा हूं पहले। तो इसमें कुछ फोर्स डेवलप हो गया, ऊपर की तरफ खींच के ऊपर तरफ रखेगा, यहां पे कुछ फोर्स हो गया, ये F1 है, ये तुम्हारा क्या F2 है, ये है 100,
अब सोचो हम इसमें लैमिनस थ्योरम लगाएंगे और ये नेट पॉइंट जीरो है क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है। कैसे पता चला? क्योंकि सिस्टम में कोई मोशन नहीं है, ये तो रेस्ट में है, रखा हुआ है ऐसे, तो मतलब रेस्ट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक, अब देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 60 ये कितना हो जाएगा 90। इसको अगर हम पैरेलल बनाएंगे, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना है 90 है, ये कितना 90 है। अब ध्यान से देखो ये एंगल कितना 90, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 कितना 150, और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 120। ठीक, अब लगाएंगे हम लैमिनस थ्योरम। देखो तो F1 अगर लिखूंगा F1 बाय कौन सा एंगल लिखेंगे, उसका अपोजिट में साइन 120, F2 बाय उसका अपोजिट में क्या लिखेंगे साइन 150, और 100 बाय उसका अपोजिट में कितना साइन 90। सॉल्व करेंगे इसको, F1 बाय साइन 120 और साइन 60 दोनों बराबर होता है, उसका वैल्यू होता है रूट आउट 3/2। साइन 120 और साइन 60 दोनों सेम हो रहे हैं, उसका वैल्यू रूट आउट 3/2। F2 बाय साइन 150 कितना साइन 150 और साइन 30, साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60 इज इक्वल टू रूट आउट 3/2, साइन 150 इज इक्वल टू साइन 30 इज इक्वल टू हाफ इक्वल टू साइन 90 100। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इन दोनों को पहले इक्वल करो, ये कितना हो जाएगा, ये 3 उसको 2 f1 / √3 लिख देंगे क्योंकि उसको ऊपर ले लिया, इक्वल टू 100। तो f1 कितना हो जाएगा 100 √3 / 2, तो मतलब क्या 50 √3। अगर f2 चाहिए तो क्या लिखेंगे, 2 को यहां पर मल्टीप्लाई करो तो 2 f2 कितना है 100 है, तो f2 कितना हो गया 50। तो हमारा आंसर आ गया फाइंड फोर्स ऑन स्ट्रिंग PQ। PQ मतलब कौन सा स्ट्रिंग है, ये P था, तो PQ मतलब हमारा F2 है, तो F2 का वैल्यू कितना आया था 50 आया था, इसमें कितना है 50 है और इसमें कितना है 50 √3 है। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, समझ समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया है छोटा थोड़ा सा, बट एक दो क्वेश्चन करने के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा है। पहला चीज क्या है, डायग्राम बनाएंगे इस टाइप का, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे एमजे लगाएंगे, अब इन दोनों फोर्स लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर लैमिनस थ्योरम लगाएंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, फिर सॉल्व करना है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो इसको थोड़ा सा देख लो क्या क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो खुद से, ट्राई करने की कोशिश करो, हो जाएगा। सपोज ऐसा है, ऐसे दीवार है, स्ट्रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल है और एक स्ट्रिंग ऐसे है, और यहाँ पे मास को लटका दिया मैंने, सपोज मान लो ये 5 kg है और ये एंगल है 60 degree और 30 degree, ये मान लो ए बी, फाइंड फोर्स ऑन वेव एंड ओबी स्ट्रिंग। देखो कैसे निकालेंगे इसका, ट्राई करो। तो लैमिनस थ्योरम का यूज करना है, देखो कैसे निकालेंगे। आंसर बताओ कुछ करके,
देखो मैं कर देता हूँ, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, और इसमें कितना लग रहा है, 5 kg मास है, 5 × 10 कितना हो जाएगा 50। अब एंगल देखो, ये 90 डिग्री है, दिख रहा है ऐसे 90 डिग्री है, ये एंगल कितना 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 30 है तो ये कितना 60 150 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। तो हो गया, अब हमारे पास 3 आ गया, इधर के डायरेक्शन में आ गया, सपोज ये F1 है, इधर के डायरेक्शन आ गया F2, नीचे डायरेक्शन में कितना आ गया 15, ये एंगल कितना 120, ये एंगल कितना है 150, ये एंगल कितना 90। तो यहाँ पर लाइन थ्योरम लगाओगे तो क्या लिखेंगे, F1 बाय साइन 120 इज इक्वल टू F2 बाय साइन 90 इज इक्वल टू 50 बाय साइन 150। तो F1 साइन 120 साइन 60 के सेम है, और F2 साइन 90 तो 1 है, ये 50 बाय साइन 150 क्या साइन 30 के बराबर है, साइन 30 कितना हाफ होता है, तो ये कितना 2 F1 बाय √3 इक्वल टू F2 इसका 100। अब इन दोनों को इक्वल करो, F2 कितना हो गया 100, अब इन दोनों को इक्वल करो 2 F1 बाय √3 इसका 100, तो F1 कितना हो जाएगा 50 × √3, तो हमारा आंसर आ गया एक 50 √3 एक 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही लैमिस थ्योरम का क्वेश्चन है, थ्री वेक्टर्स ABC सच दैट A⃗ + B⃗ + C⃗ इज इक्वल टू 0। Out of 3, ट्राई करो इसको फाइंड एंगल बिटवीन देम, क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो कुछ। तो सपोज ए बी सी तीनों वेक्टर है, दो वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड है, सपोज मैंने ए का मैग्नीट्यूड को F1 मान एफ मान लो, बी का मैग्नीट्यूड को भी एफ मान लो, सी का मैग्नीट्यूड को F1 मान लो। देखो तो इसने क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड थर्ड वेक्टर इज रूट ओवर 2 टाइम्स आइदर, मतलब F1 का जो मैग्नीट्यूड है रूट ओवर 2 टाइम्स है, तो
हमारे पास तीन वेक्टर है, सपोज ये ए है, ये तुम्हारा क्या है बी है, ये तुम्हारा क्या है सी है। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना एफ है, बी का मैग्नीट्यूड भी एफ है, सी का मैग्नीट्यूड कितना रूट ओवर टू एफ है। तो हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। सपोज इस एंगल को मैं अल्फा मान रहा हूँ, यह एंगल बीटा है, यह एंगल गामा है, ठीक है। अब लैमेज थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखोगे, ए बाय उसके नीचे कितना साइन अल्फा, तो मतलब एफ बाय साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू बी बाय साइन गामा, बी और बी का वैल्यू कितना एफ साइन गामा इक्वल टू सी बाय साइन बीटा, सी का मैग्नीट्यूड कितना है रूट और टू एफ बाय साइन बीटा। तो हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। पहले इन दोनों इक्वल कर देते, देखो क्या लिखोगे, अगर मैं लिखूंगा एफ बाय साइन अल्फा इक्वल टू एफ बाय साइन गामा, अगर ऊपर दोनों इक्वल है नीचे दोनों इक्वल होना चाहिए, साइन अल्फा इक्वल टू साइन गामा, तो अल्फा इक्वल टू गामा, ये हमको पहला मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, सपोज मैं इन दोनों को ले रहा हूं तो क्या लिखेंगे, एफ बाय यहां पे कर दे रहा हूं एफ बाय साइन अल्फा इक्वल टू रूट ओवर टू एफ बाय साइन बीटा, तो एफ एफ कट गया, तो साइन बीटा इक्वल टू रूट ओवर टू ऑफ साइन अल्फा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करके हमको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है। बट इसमें देखो अगर ये पॉइंट है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा 2π और 360 डिग्री। एक ही पॉइंट में कितना एंगल बना था, मैक्सिमम एंगल कितना होता है 360 होता है, ऊपर 180 नीचे 180, ठीक है। बट हमको क्या पता है, अल्फा इक्वल टू गामा पता है, अल्फा और गामा पता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा कितना है 2π, तो बीटा कितना हो जाएगा 2π माइनस 2β, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा और कैलकुलेशन करेंगे, देखो क्या मिलेगा हमको, साइन 2π माइनस सॉरी ये अल्फा है बीटा है, 2π माइनस 2α, क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा 2π, बीटा का जगह क्या लिखेंगे 2π माइनस 2α इक्वल टू रूट ओवर टू साइन अल्फा, तो साइन 2π माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन 2α इक्वल टू रूट ओवर टू साइन अल्फा, तो साइन 2α का वैल्यू कितना होता है माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू रूट ओवर टू साइन अल्फा, तो ये कट गया, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो गया माइनस 1/√2 और अल्फा है 135 डिग्री। अब हमको सारा एंगल मिल गया, अल्फा कितना मिल गया 135, गामा भी सेम है 135, बीटा कितना है 2π पाया यहाँ पे ना 2π माइनस 2 अल्फा, 2π मतलब 360 माइनस 2 इंटू 135 टू इंटू, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। देखो सारा एंगल मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आता है लैग्रेंज थ्योरम में यूज करके। तो अभी हम आज समय वेक्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास हम बेसिक मैथमेटिक्स का शुरू करेंगे, तो उसमें हम बहुत सारे चीज पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री वाला बारे में बताएंगे, तो क्यों क्यों ये 2π माइनस 2 अल्फा माइनस 2 साइन 2 अल्फा होता है, ऐसी टाइप का डिस्कशन करेंगे वहाँ पे। तो थोड़ा थोड़ा मैथ का पार्ट पढ़ेंगे जो कि हमारे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे चीज मैथमेटिक्स का आता है, तो अगर उसके बारे में नहीं पता रहेगा तो बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि CBSE बच्चों को लॉगरिथम बारे में नहीं पता रहता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकली ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, उसमें कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, वो सारा डिस्कशन हम क्या करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स क्लास में करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। तो आज हमारा वेक्टर कंप्लीट हो गया, तो तुम्हारा काम क्या है, जितने भी असाइनमेंट दिया हुआ है वेक्टर्स का उसका पूरा कंप्लीट करो, उसके अलावा एक कंबाइंड असाइनमेंट मैं प्रोवाइड करूंगा जो कि वेक्टर का सब सब मतलब सारे जो छोटे छोटे पार्ट है उसमें कंबाइन होकर क्वेश्चन रहेगा, तो उसको भी सॉल्व करना, उसके बाद तुम्हारा वेक्टर का वेक्टर में अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो सारे क्वेश्चन को बना सकते हो।